सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम वाहे वाह। परम सत्कार जो गुरु रूप साध संगत जी आओ मिलके फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह के आप जी नूं पता है कि धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा नाल, सतगुरां की कृपा नाल आपां सुखमनी साहिब लड़ीवार इहनूं विचार करन दी कोशिश कर रहे हैं, व्याख्या करन दी कोशिश कर रहे हैं। ते अज आपां 18वीं अष्टपदी दी आरंभता करनी है, ते 17वीं जिहड़ा पिछे उहदा आपां थोड़ा जिहा संखेप दे नाल इहदा मतलब फिर दुबारा तो थोड़ा थोड़ा इहदा मतलब समझण दी कोशिश करदे आं। उहदे जो उन्होंने कहा भी सारा कुछ आदि सच है, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, चरण सत्सत परसन। ये जेड़ा सारा कुछ जेड़ा तुसी करदे हो संतां सेवा का, वह भी सच है, पूजा भी सच है, तुहाडी सेवा भी सच है, सारे जेड़ा करदा वह भी सारा सच है। ये सब भय ते निरभउ बसां, जिवें भय इस पाठ करन दे नाल अपना भय खत्म हो जांदा, निरभउता वाला जीवन शुरू हो जांदा है, निरभय हो के बिल्कुल, ते फिर जीवन निकलदा बड़ा ही सुंदर है। भी सतगुरु जिन्हें उन्हें जान लिया ना, जिन्होंने उस दे स्वरूप नूं जिन्हां ने जान लिया, मन दे विच रखता उहनूं, फिर उहनूं मूल नूं वी जिन्हां ने पछाणा है, उहनूं अपने आप फिर प्रगट हुंदा है। जिन्हां ने महाराज नूं विच वसाया आपदे हिरदे दे विच, उहनां नूं उहनां दे ज्ञान प्रगट हो जांदा है, उहनां दे मन दे विच अपने आप प्रभु कृपा करदा है, भी अपने आप ज्ञान उहनां नूं फिर बाणी समझण लग पैंदी, समझण विच आ जांदी है। ते इह जिहड़े ने फिर उह फिर इक वो कहने जेड़ा प्रेम दे नाल समझण दी रब नूं पाण दी कोशिश करदा है, वो फिर रब ते उहदे विच कोई फर्क नहीं रह जांदा, साधु दे विच कोई फर्क नहीं रह जांदा। बई जेड़ा जेड़ा ठाकुर दा सेवक हैगा, आज्ञाकारी भी होएगा, वो पुजारी भी होएगा, मन दे विच प्यार रखेगा, निर्मल होएगी उहदी। जेड़ा ठाकुर दा सेवक होएगा, प्रभु दे हमेशा वो समझदा मेरे नाल है, वो प्रभु दी फिर प्रभु उहदी पालना भी करदा है, आपदे सेवक दी सारिया दी पालना करदा है, निरंकार वो दया दा बड़ा भंडार है, जिसने इसने आपदे दया करके कृपा कर दिती, जेड़ा वो फिर हर वेले नाम जिहदे ते कृपा प्रभु ने कर दिती, वो फिर नाम सिमरदा हर वेले, वो परदे ढकदा है आपदे, है ना, आपदे वडियाई देंदा है प्रभु, जेड़े आपदे सेवकां नूं लिखो दा कोई पार नहीं पा सकदा, है ना, जिन्हें आपकी सेवा चलाया है अपने आप ही कृपा करके वो ही लगे ने वो नाल। छोटी जी कीड़ी नू ये पिछली 17वीं अष्टपदी च महाराज ने कहा है, एक छोटी कीड़ी नू इन्नी शक्ति बख्श सकता है महाराज, इन्नी शक्ति बख्शता है कि सामने लखां जिहड़ियां सेनावां ने ना उन्हों भस्म कर सकता है, इन्नी मतलब कि पावर है प्रभु दे विच। ते फिर आपां उहनां नूं नहीं सिमरदे, ते जिहदी ना उहदी जान ना अजे लैणी होए उहने, ते फिर जिहनां जिन्ना मर्जी कोई कोशिश कर ले, प्रहलाद जी दी किन्नी कोशिश कर ली, जिहनूं जींदा रखना उहनां ने, उह फिर कोई मार नहीं सकदा उहनां, है ना, जा को राखे साईआं मार सकै ना कोई, ते बिल्कुल जिन्ना मर्जी मानस आपदे ख्याल करे उहदे करके नहीं कुछ हुंदा, सारा प्रभु दे करके ही हुंदा है, सब उहदी कृपा नाल ही। बार बार जपो बई, बार बार प्रभु नूं आपां जपीए, जिस तरह के बार बार आपां भोजन की लोड़ हैगी है, पानी की लोड़ हैगी, आपदे जीवन नूं आपदे शरीर नूं बचाने लई, आपदे शरीर नूं जींदा रखने लई, उसे तरह आपदी आत्मा नूं जींदा रखने लई बार बार पाठ करने की लोड़ है, निरंतर सतत पाठ कर, सतत सत्संग, सतत तुहाडे दिमाग दे महाराज का नाम चलता रहे, उठत बैठत सोमदिया उठदिया हर वेले उहदा नाम जपो बई। ये जिहड़ी जीवा दित्ती तुहानूं, इन्ना वड्डा गिफ्ट दित्ता महाराज ने, शरीर दित्ता, इंसान बनाया, उहदे च आपां ये महाराज दा नाम गुण गाइए, अठो पैर उहदे गुण गाइए, उहदे जिहड़े फिर संत उहदे जिहड़े पूर है, जिहड़ा हर वेले आपदे हजूर विच समझदा मेरा नाल हैगे ने महाराज, सामने मेरे को साक्षात हैगे ने, उह फिर पूरन संत, पूरन पुरख हैगा वो। हाँ, एक के फिर 8वें पदे जो कह रहे ने कि ओदी ओट लै महाराज, इस 17वीं अष्टपदी दे, ते अमन तन सारा अपना उन्होंने अर्पण कर दे तू, है
जिन्हां ने पछाण लिया रब नूं, फिर वो आप देण वाला बन जांदा है। प्रभु तां दाता हैगा ही है, ये जिहड़ा उहदा सेवक भी वो इन्ना कोई उहदे शक्ति आ जाएगी ते वो लोकां दा भला कर सकेगा जी। ते ये सारे वो कष्ट मिटा दिंदे ने, फिर वो बस सारी गल छड के उही कहंदे ने उस सेवा उस संत दी, उस गुरमुख दी, उस महापुरख दी सेवा तू लग जा, तेरा फिर आना जाना होएगा। ते उस जन दे, उस संत महात्मा महापुरश ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख जो भी आपां नाम लईए, वो भावें उन्हें कपड़े जेड़े मर्जी पाए हो, जरूरी नहीं उन्हें कोई भगवा चोला पाया होवे या इस तरह के कोई जरूरी ओदी आपां सूटेड बूटे भी हो सकता है, गृहस्थी भी हो सकता है। वो दे तुसीं कहिंदे पूजो पैरा नानक आमन जान ना होवी तेरा, नानक दिस जान के पूजो सद पैरा। ये आपां पिछली अष्टपदी विच महाराज साहब ने उपदेश दिता है, जिन्हों के आपां आपदे जीवन ते उतारांगे सौखे रहांगे, नहीं तो परेशान होवांगे। भाई आपां वार वार यही कह रहे हैं भी ये संतां दी जिहड़ी बाणी है इहनूं कोशिश करिए जीवन ते उतारन दी। हुण आपां 18वीं अष्टपदी शुरू करते हैं। देखो गुरु धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने की अपने वास्ते ये उपदेश दिता है, की अपन फरमा रहे ने श्लोक। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण नाम। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख बड़ भागी है, सतगुर सिख का हल पल सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै, गुर कै ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सब जावै, मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कारज रास, सेवा करत होए निकामी, तिस को होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। सतनाम श्री वाहिगुरु। 18वीं अष्टपदी दी अज आरंभता हो रही है। साध संगत जी की फरमा रहे ने महाराज जी श्लोक। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ। सतपुरख जिन जानिया, जिन्हां नूं सोझी पै गई, जेड़े संत नूं, जेड़े गुरमुख नूं, जेड़े इंसान नूं इह परमात्मा नूं पछाण लिया जिन्हें, सतगुर जिन जानिया, सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। सतगुर किनू आपां कह सकदे हां, जिन्हें सत पुरश परम पिता परमात्मा जिहड़ा हमेशा सच है उहनूं जे पछाण लिया, उहनूं जान लिया, उहनूं आपां सतगुर कहिंदे। सतगुर उहदा नाम है जिन्हें सोझी पा ली, जिन्हें परमात्मा दे बारे पछाण लिया, उहनूं पछाण लिया है। इस गुर को सा वास है जिन हर सोजी पाई, आपा पढ़ते हैं ना, इस गुर को सा वास है जिन हर सोजी पाई, नानक गुरु बिटो बारिया, जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। ए जिसने वो सतगुर ओही है जिन्हें परमात्मा नु पहचान लिया, परमात्मा दे नाल एक में हो गया, बस वो फिर तड़ा जे सतगुर बन गया तो तड़ा भी बेड़ा पार।
सतगुर तिसका नाउ। ये फरमा रहे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज के भाई, सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ, तिसके संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ। ओदे नाल ओ संगत करके ये जेड़ा एक शिक्षक है, एक सिख है ना, सेवक है, वो भी नानक दा नाम गुण गाएगा, ओदी भी बेड़ा पार हो जाएगा भाई। ये कह रहे ने श्लोक दे विच, हुण आपां अष्टपदी कर दें। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। हमेशा ओदी प्रतपाल करता है, ओदा ख्याल रखता है, हर गल दे विच ख्याल रखता है। परम पिता परमात्मा ताडा ए सतगुर जेड़ा है, सतगुर सिख की हाँ करै सतगुर ओदी प्रतपाल करता है, ओदा ख्याल रखता है, ओदा हर गल दा ख्याल ओदा है। सेवक गुर का सदा दयाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सेवक दे उत्ते हमेशा दयाल है महाराज, एकदम भरपूर खुश हो जाता है जो सेवा दिलों करते हैं आप, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, किसी मन इच्छा लैके। वो कहते हैं बड़ी बारी आया है बाणी भी और संतां साधुओं के मुखारवें तो भी सुनते हैं भी, आप बिना किसी सोच तो, मोस्टली तो गृहस्थी बंदे हैं तो आप इच्छावां लैके चलते हैं ना, भी आ मेरी इच्छा पूरी, मैं फलाने मैं इन्ने बार इन्हें जावांगा जी, मैं गुरुद्वारे जा, मैंने सुखमणि साहब करा, मैंने जाप जी साहब करांगा, मैनू महाराज आ मेरा कष्ट आ मेरा। लोड़ भी है गृहस्थियां की, लेकिन निष्काम भाव के जो तो करोगे तो वैसे ही रब तो सारा जानी जान सब कुछ अपने आप तुम दे देगा, लेकिन मांग के या मैं एक रख के ना, जी शर्त रख के ना करया करिए। ये दस्या गया आपू साधु संतां बारे, साधु संतां द्वारा ते गुरबाणी द्वारा भी, इस सेवक को गुर सदा दयाल सिख की, हाँ प्रतपाल कर दया दयाल है उदे ते, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, दुरमत जेड़ी मलीन बुद्धि है, माड़ी सोच माड़े ख्याल ने सारे जड़े ने मैल जेड़ी ना वो हर लैंदा है महाराज। तो गुर बचनी हर नाम उचरे, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम, गुरु दी शिक्षा दे नाल गुरु दे वचना दे नाल हरि दा नाम उच्चारण करता है, हरि दा नाम वो पढ़ता है सारा दिन। सतगुर सिख के बंधन काट है, ये दुनिया दे जेड़ी अटैचमेंट है, ये जेड़ी है मोह माया दे नाल अटैचमेंट है, ये दूर करता है अटैचमेंटा नू, ये जेड़े बंधन ने ये जेड़ी नाल जुड़े हुए ने, इन्हों दूर करके गुर का सिख विकार ते हटे, विषय विकारा तो हटा देंदा है, विषय विकारा तक गुरु का सिख जरा विषय विकारा तो अपने आप पिछे, क्योंकि रब के नाम की जिनी शक्ति है भी वो मैल दूर कर देता, वो ये विषय विकारा आप कहने ना भरी है मत पापा कै संग, वो तो पै नावें कै रंग, ये नाम है गुरबाणी पढ़ो कीर्तन करो कीर्तन सुनो, ये बड़ा सुंदर मतलब के एक एक बुक हैगी सी, वो मैं सुन रहा थी, एक बुक हैगी सी, वो कहते ओदा नाम की है लाइफ यू टर्न, बड़ी सुंदर बुक है वो दसदे ने, ओदे च की है यू टर्न का जिवें ये बनाया है, ये जिवें यू है ना जे दिस रहे थे एनक है मेरी जीव, इस तरह दे यू टर्न कोई इस तरह दे यू उन्होंने बनाई है साइफन जो बनाया समझ लो है, ओदे च की है कि एक पास अद्धे पास ये अपने पाप है पुण्य चंगे कर्म ने माड़े कर्म ने, वो तुसी चंगे कर्म होर करते 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 ये पानी जेड़ा फिर गंदा होंगे ना, जो आप माड़ा पानी होवे तो उन्हों पानी नलके थले रख दो तो हौली हौली सारा वो साफ हो जाता, उसे तरह चंगे कर्म करते करते माड़े काम बाहर आते जाते, माड़े काम बाहर आते जाते, वो एकदम क्लीन हो जाता है सारा सिस्टम। तो ये है भी भरिया मत पापा कै संग, वो तो पै नावे कै रंग, अपा वो ये दस रहे ने महाराज, कहने भी ओदी सिख की गुर दुरमत मल हिरे, जेड़ा गुरु सतगुरु होंदा है सच्चा सतगुरु, ओदी सारी माड़ी सोच जेड़ी है मैल हिरदे दी खत्म करना दूर कर, गुर बचनी हर नाम उसरे, गुरु दे बचन दे नाल गुरु दी ओदी शिक्षा दे नाल सारा नाम हरि दे नाम उच्चारण कर ला बंदा है, सतगुर सिख के बंधन काटे सारे अटैचमेंट ओदी खत्म हौली हौली हो जाती है,
परमात्मा नाल जोड़ के जोड़न दी नाल तो परमात्मा जोड़न दी। संत लोग ये कहंदे ने परमात्मा तू तो ये सोचो भी मैं कटाना है जी, मैं रिलेशन कटाना है या प्यार कटाना है, तुसी सतगुरां दे नाल प्रेम वधाओगे अपने आप दूजे पास हौली हौली घटता जाएगा, तुहाडा डिटैचमेंट होंगी जाएगी जीवन, जिहड़ी कि बड़ी भारी लोड़ है। रब नूं मिलना है तो डिटैचमेंट तो बिना गल बननी नहीं, संसार नाल डिटैचमेंट, प्रभु नाल अटैचमेंट, तां गल बनेगी। गुर का सिख सतगुर सिख के बंधन काट है, गुर का सिख विकार दे हट है, वो दे परे हो जाता है, विकारा तो विषय विकारा तो दूर हो जाता है। सतगुर सिख को नाम तन दे, सतगुरु नाम का तन दे देता है। अज पढ़ रहे सी के मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, धन मिले ना मिले हम नहीं, एक नाम तेरे से बड़ा सारी दुनिया में कोई धन नहीं। ये जेड़ा तन है ना, ये तो उच्चा की हो सकता है, नाम तन, ये तो सारा जिंदगी का सरमाया होता है, इना नाम जेड़ा है, नाम जेड़ा सतगुरु देव ने तुसी वाहेगुरु जपो, ये तो वड़ा कोई तन नहीं। गुर का सिख सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड पागी है, गुरु वड पागी भी वड़े भाग्या वाला है, जिन्होंने रब का नाम मिल जाए, गुरु का सिख बन जाए। सतगुर सिख का हल्त पल सवारे, ये सतगुरु जेड़े होंगे ना, ये तुहाडे शिक्षक जेड़े आपां सिख हैं, जेड़े साधक हैं, इन्हां दा हल्त पल इत्थे भी सवारदा है, ये सारा जीवन इत्थों दा ही सवारदा है, जो भी लोड़ हैगी पूरी करदा है, ते अगे आने वाला वो भी तुहाडा सवार दिंदा है, पलक भी सवार दिंदा है, अगे आने वाला जीवन जेड़ा है उपर जदों जाना है तुसी, वो सब सवार दिंदा है, इत्थे उत्थे होए सहाई। नानक सतगुरु सिख को जी नाल सुमारा है, सतगुर सिख का हल्त पल सवार है, नाना सतगुर सिख को जी नाल संवारे, ये जेड़ा सतगुर प्रेम दे नाल जेड़ा सिख नू प्रेम दे नाल उनू याद रखता है। असी भुल जाने हैं जिवें परमात्मा नू सानू साह दिंदा है हर वेले, वो याद रखता है, सानू याद ना रखे तो असी फिनिश हो जी बस गल, वो हमेशा याद रखता, असी भुले बैठे हैं तां असी कहने भी हे नाथ तेनों असी ना भुलीए, तू सानू ना भुल महाराज, ते वो ये कह रहे ने कि उन्हों याद रखता है हमेशा, वो ख्याल करता है, नानक सतगुरु सिख को जी नाल दिल दे नाल आपदा वो याद करता है संवारदा है। गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, वो उन्हों जेड़ा हमेशा वो दर ते रहता है, वो पता है वो घर महाराज का घर समझ के, भावे आपके घर च रहना भावे गुरुद्वारे रहना कितने भी मंदिर, तुसी ये समझ के चलो भी परमात्मा तुहाडे नाल है। वो कहिंदा गुर के ग्रह ओहदा ही है, अंदर भी उही बैठा है, ओहदे च ही असीं बैठे हाँ महाराज दे घर दे विच, सेवक जो ये शरीर भी उहने दित्ता होया है, सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे, ओहदे मन दे विच हमेशा, वो कहिंदा तेरा खाना मीठा है, तेरे असीं राजी हैं, तेरे रजा दे विच, उस हिसाब नाल फिर रहिंदा है, आज्ञा दे विच रहिंदा है, गुर की आज्ञा मन में साहब, मन दे विच रख के व्याह भी मैनू गुरु ने जो भी कर रहा है, जो भी समा आ रहा है मेरे वास्ते अच्छा आ रहा है। आपस को कर कछ ना जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे, आप दा हुण कोई नहीं भी ये नहीं कि आपदे आप नूं कुछ समझने लग पे कि जरा बड़ा जे लोग बड़े कर रहे ने, तो यही सोचे जे लोग इज्जत मान शान तुहानूं बख्श रहे ने, हार पै रहे ने तुहाडे, जो भी मर्जी तुहाडी बड़ी बड़े लोग कहिंदे वाह वाह बहुत अच्छा हो जाए, ये समझ मारा तेरी कृपा, तेनू प्रणाम, क्योंकि मैं तेनू जपदा कि तेरे नाम दे नाल मेरा मतलब नाम जोड़ा जाता है, इस करके मेनू ये हो रहा महाराज, कभी मन जे लियाएगा तो खराब है, बहुत खत्म काम है, यश नू पालना, यश नू आप समझना कुछ, वो महाराज खुश नहीं होता, तुहाडा सब फिर हानि होनी शुरू हो जाती है, इस करके कदे वो दिमाग देना चाड़ो आप दे, शुकराना जरूर करो, लेकिन ये ना सोचो कि तुहाडा यश हो रहा है, तो सतगुरां दा महाराज दा वो परम पिता परमात्मा दा यश हो रहा है, जे तुहाडा यश हो रहा है समझ लो, अंदर बैठा है वो ही। गुर कै ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछ ना जनावे, आप दे आप कदे के ना कहे भी मैं कुछ हैगा, बिल्कुल एकदम आम इंसान तरह, तो संतान का काम ही होता है
लगे जिवें बड़ा आम है, लगे इधर दा दुनियादारी दा, लेकिन होवे परमात्मा दा, लगे इधर दा होवे उधर दा, परमात्मा वाले पासे दा। हर हर नाम हृदय सा ध्यावे, हर हरि दा नाम सदा हमेशा आपदे दिल दे विच रब दा नाम चल, हो किते भी जाए तुहानू ओही चलदा रहे। मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवक के कारज रात। आहा, इन्ना ये बड़ा ही सुंदर है, याद रखने वाला है कि मन बेचै सतगुर के पास ते कारज सेवक के कारज रास। रात। बस ये सब तो बड़ा है, सरेंडर करना है तुसी आप दे आप नू, हैं कि पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। वो जदों तुझे कर देता ना सब, मन नु वेचता वे लै महाराज, हम मेरा तो रह ही नहीं गया, मैं तेरे हवाले करता, मैं नहीं पता, तू आपे कर जो भी करना है महाराज, मेरा नहीं कोई दखल, तू जो कहेगा वही है, तेनू तेरे असी कठपुतली है, समझ के चलो है गए हैं, लेकिन समझते पता नहीं की आपदे आप माटी का पुतला कैसे नाच रहा, किन्ना घमंड करके बैठी दुनिया, मैं हैरान। ये ओदी कठपुतली है गए हैं पता है, फिर भी समझते नहीं, पता होने तो बाद भी वो मन दे नहीं लियाना, वैसे जुबान ना कहना जी असी कठपुतली है गया, हम कठपुतली तेरे हाथों की, जैसे चाहे तू जैसे नचा ले, मुरली हवाले गा लेने हैं, लेकिन ओदे वाले थोड़ा छड़ा है, जीवन है तेरे हवाले, छड़ दे एकदम खुले हो गया, आराम ना आनंद ना जियो। माता पिता होते जो बच्चा छड़ देता है, किन्नी मौज करता है, जिन्नी तक आपदे उपर नहीं लेंदा ना, बड़ी मौज च रहा है बच्चा, हसदा खेडदा, ओनू कोई तो मौज ही मौज है, उसे तरह मौज आपां लुट सकते हैं जे ओहदे हवाले सारा कुछ छड़ दी, तो लेकिन करदे नहीं, गल्लां नाल आपां करदे हां सारा कुछ ओहदे हवाले छड़ दे, महाराज तेरी मौज जिधर मर्जी लै चल, ऐसी तो तेरे कबीर को राम का मुत्यो मेरो नाम, गले हमारे जेवड़ी चैंती चैंते जा, वी आर लाइक पपेट्स, वी आर योर पपेट्स रब्बा, टेक मी वेयर एवर यू वांट मी टू टेक, जा ले जा महाराज, मौज साडी तो मौजा ही मौजा है, जिथे मर्जी लै जा, जिथे मर्जी तू बगल, जो मर्जी खुआ, जो मर्जी जिथे मर्जी रहन का साडा इंतजाम कर, जो मर्जी तू दे, सब कुछ तेरी मौज है महाराज, तेरी मौज है। आप बड़ा ही सुंदर है, तो सारे याद करो भाई, आपदे मन दे विच ये रख लो, मन बेचै सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास, हो सारा तुहाडे जीवन दे कारज रास अपने आप हो जाणगे, मन वेच सारा कुछ आपदे बुद्धि सहित सब कुछ, सेवा करत होए निकामी तिस को होत प्राप्त स्वामी। आ होए निकामी, निकामी होके बिल्कुल अपन निष्काम भाव दे नाल जे अपन सेवा करांगे परम पिता परमात्मा दी सतगुरां दी, तिस को होत प्राप्त स्वामी, निष्काम भाव दे नाल सेवा करन दा इन्ना वड्डा मतलब फल मिलेगा अपन, कोई मन दे इच्छा लाए बिना फिर अपनी इच्छा सारी वैसे पूरी हो जाएगी, वैसे करो वैसी पैसे गुरुद्वारे आए हैं, मंदिर आए महाराज, तेरे द्वार से तेरा धन्यवाद करने वास्ते आए महाराज, एक होर दिन दे दिता असी तुरंत दे, असी काबल तू किया है महाराज, ऐसे किन्नी दुनिया है व्हील चेयर ते बैठी, किन्नी दुनिया अस्पताल बैठी, किन्नी दुनिया एक कदम नहीं तुर सकती, पासा नहीं पढ़ सकती महाराज, तू सानू इन्ने कदम दिते ने, असी तुर के तेरे कोल आ रहे हैं महाराज, इस करके तेरा थैंक यू करना है, असी कुछ मंगन नहीं आए महाराज, बस सब दा भला मंगदे हैं असी, लेकिन असी सानू कोई दुनियावी चीज है, दुनियावी चीज मांग के करांगे की, मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू, किछ थिर ना रहाई, हर दी गैना प्यारी जी, तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जी,
रोज आपां सुनदे हां, आपां गुलाटी साहब वाहिगुरु के नाम ना रोज जोड़ते ने, जो सत्संग आपां आरंभता करते हैं ओदे च यही कह रहे ने, विन तुद जो मंगना सिर दुखां दे दुख की मंगी महाराज। तेरे तो लैन जे चीज को लै भी लांगे ओही दुख का कारण भी बन सकती, कोई भी चीज भावे कार होवे कोई भी होवे, संतान होवे संतान ते कर जेड़ा कहना वड़ा सब तो वड़ा गिफ्ट होंदा है, संतान तुहाडे दुख का कारण बन सकती है। इस करके प्रभु नू पता है की तुहानू देना है, की तुहाडे केड़ा समय ते देना है, सब ओनू पता है। निष्काम एस तो वड्डी गल हुण ये मोर है, ये समझ लो जेड़ी बाणी आपां पढ़दे आ ना, ये सिर्फ ये संतां दी बाणी, ये धुर दी बाणी, गुरु अर्जन देव महाराज रब आप आए होणगे इत्थे धरती ते, रब ने आप दे हत्थां नाल उहनां नूं भेजा है, जाओ आ लै रब दा बेटा है, समझ लो तुसीं रब दे बेटा आया, उह सानूं ये मोर ला के दे गया, लै मौज करो पूरने पा के दे। लेकिन है ही नहीं ना, वो कहते ने सेवा करत होए निहकामी, निहकामी होके जे सेवा करोगे तिसको होत प्रापत स्वामी, परम पिता परमात्मा मिल जाएगा। इना सेवा भाव देना प्रभु का नाम जपो भाई, इन्हें सेवा भाव देना करोगे तो मौज लुटोगे जीवन च। अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले, अपनी कृपा जिस आप करे, जिस दे उत्ते कृपा आपे कर दिंदा है परम पिता परमात्मा, नानक सो सेवक गुर की मत ले। सिर्फ फिर वो जेड़ा है ना, वो जेड़ा सेवक है ना जिदे उत्ते परम पिता परमात्मा कृपा कर दिंदा है, ओही सेवक जेड़ा आपदे गुरु की मत लैंदा है, गुरु की प्रीचिंग सुनदा है, गुरु की टीचिंग गुरु की शिक्षा के कदमां ते चल के आपदा जीवन सफल कर लैंदा है। फिर वही गल आ जी, परम पिता परमात्मा बस अदल करें तो वाह ना कोई, फजल करें तो जीवा, परम पिता परमात्मा तू साडे ते फजल कर ले, तू रहमत कर दे साडे, साडे कर्मा दे हिसाब दे नाल इंसाफ करेगा तो साडा कोई वाह नहीं, असी फिर तां असी कम बड़ा खराब होएगा। जस्टिस नहीं सानू तो रहमत चाहिए महाराज, रहमत चाहिए, कृपा करे महाराज। असी ये गुरबाणी उपदेशां तो ये जेडे उपदेश ने आपदी झोली च पाओ बई, गलतियां मेरी झोली च पा दे, सारा गलतियां असी मंद बुद्धि बाल बुद्धि हैं, हमेशा गलतियां होंदियां ने, प्रभु तुसी जान दे हो, गुरु अर्जन देव जी महाराज परम पिता परमात्मा जी तुसी ते संगत जी भी तुसी मेरी झोली च पाओ गलतियां, ये उपदेश सतगुरां दा लै के आपदे जीवन नु सफल बनाओ जी, जीवन नु सफल बनाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।